बागपत पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फर्जी दस्तावेज बनाने वाला साइबर अपराधी हुआ गिरफ्तार। आपको बता दें, बागपत पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है जिसमें फर्जी दस्तावेज बनाने वाला एक साइबर अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आया है। पुलिस ने फर्जी कागजात भी इस दौरान बरामद किए हैं। बताया जा रहा कि कैफे संचालक फर्जी इंश्योरेंस तैयार करता है और लोगों से मोटी कमाई वसूलता है। आरोपी पहले भी फर्जी कागज व आईडी बनाने के वजह से जेल जा चुका है। पुलिस ने आरोपी के कंप्यूटर व सामान को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि बागपत के सिंगवली अही थाना क्षेत्र के अमीन नगर सनाए कस्बे में बुधवार की सुबह थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले कैफे संचालक भूपेंद्र पाठक को फर्जी इंश्योरेंस बनाते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। जानकारी के अनुसार उक्त कैफे संचालक की पिछले कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी। बुधवार की सुबह थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर कैफे संचालक के पास भेजा। ग्राहक ने कैफे संचालक से फर्जी इंश्योरेंस बनाने को कहा, जिसके बाद कैफे संचालक ने 400 रुपए में उक्त व्यक्ति का फर्जी इंश्योरेंस बना दिया। इस थाना पुलिस ने कैफे संचालक को फर्जी इंश्योरेंस बनाते हुए मौके से पकड़ लिया तथा उसे हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस ने कैफे में रखे कंप्यूटर आदि सामान को भी कब्जे में ले लिया। एसपी बागपत ने इस दौरान बताया कि आरोपी कैफे संचालक पहले भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में एडमिट कार्ड व फोटो बदलने के मामले में सहारनपुर एसओजी विभाग द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जेल जा चुका है। इसके अलावा आरोपी को पिछले दिनों गाजियाबाद पुलिस ने भी फर्जी रेलवे रिजर्वेशन करने के आरोप में पकड़कर जेल भेजा था। एसपी बागपत शैलेश कुमार पांडे ने बताया, कैफे संचालक से कड़ाई से पूछताछ की जा रही, इसके पास से कई जानकारी मिली है जिन पर काम किया जा रहा। फिलहाल पकड़े गए अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी गिरफ्तार किया, कौन है, कैसे कसूर है? थाना सिंगावली अहिर ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एक जालसाज को पकड़ा है, जो कि जिसके बारे में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स, खास करके इंश्योरेंस के, गाड़ियों के इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स बनाता था। जब इसकी पड़ताल की गई तो ये पूरी बात सही पाई गई और इस अभियुक्त, जिसका नाम भवेंद्र पाठक है, जो मूलतः बिहार का निवासी है और वर्तमान में यहाँ रह रहा था, इसको गिरफ्तार किया और इसके पास से कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य सहवर्ती उपकरण इसके पास से बरामद हुए। फर्जी बना हुआ इंश्योरेंस भी इसके से बरामद हुआ है। जब इससे पूछताछ की गई और इसकी प्रीवियस हिस्ट्री जानने का प्रयास किया गया तो यह पता चला कि ये सहारनपुर में भी पकड़ा गया था, जिसमें ये पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर्स को बिठाने के लिए उनके आधार कार्ड को टैम्पर करके उस पर दूसरे का फोटो लगाने का काम किया था और उसमें ये जेल गया था। इसके अलावा ये गाजियाबाद से भी ये जेल जा चुका है, जिसमें आरपीएफ ने इसके विरुद्ध कार्रवाई की थी। बिना लाइसेंस के ई टिकट जारी करने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में इसे यहाँ के इस मामले, जो फर्जी इंश्योरेंस बनाने के मामले में, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें आगे इसके अन्य जिलों में इसने कोई इस तरह के अपराध किए हैं कि नहीं, उसका भी हम पता लगा रहे हैं। इंश्योरेंस के नाम पे या सॉल्विंग के नाम पे, और जैसा कि मैंने बताया, इसके पास से कंप्यूटर और अदर पेरिफेरल इक्विपमेंट्स बरामद किए गए हैं, उनके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुखबिर ने इसी चीज़ की सूचना दी थी कि बागपत में बैठ के ये फर्जी गाड़ियों के इंश्योरेंस बना रहा है, तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि यहाँ पे भी कई लोगों के इसने बनाए होंगे, जिसकी पड़ताल की जा रही है। थैंक यू।